सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो आपने हमारे लास्ट वीडियो डोमेस्टिक वायलेंस को इतना अप्रिशिएट किया अपने अच्छे कमेंट्स और फीडबैक्स दे करके, और आपने हमारे इस चैनल काश को सब्सक्राइब किया। और अगर गाइज आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ डू इट राइट नाउ। हम ऐसे ही एवरी वीक एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके साथ मिलते रहेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक टिप, काफ़ी टाइम पहले ना मुझे मेरा कम्प्लेक्शन काफ़ी डल सा लगने लग गया था और मैं काफ़ी परेशान सा था, बट वो कैसे ठीक करना है मैंने तो वो ढूंढ लिया है, आपके साथ भी वो शेयर करूँगा बट इस वीडियो के एंड में, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अब आते हैं आज के अपने टॉपिक जो है रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेट करना। हिंदी में रेसिज्म की परिभाषा होती है यह विश्वास कि हर नस्ल के लोगों में कुछ खास खूबियाँ होती हैं जो उसे दूसरी नस्ल के लोगों से कमतर या बेहतर बनाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो भेदभाव करना, किसी भी अलग धर्म जाति जगह की कम्युनिटी के साथ में अगर मेजॉरिटी के लोग भेदभाव करें तो उसे रेसिज्म या नस्लवाद कहा जाता है। और ये रेसिज्म या नस्लवाद है ना, हम सब बचपन से ही अपने घरों में देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं छोटा था ना तो काफ़ी डरता था चाय पीने से कि कहीं स्किन कम्प्लेक्शन डार्क ना हो जाए, और इसमें मेरी भी क्या गलती थी, पढ़ा भी तो यही रहे थे ब्लैक इज अगली। और जब टीनेज तक आया तो नज़र पड़ी उन मैट्रिमोनियल एड्स पे जिनमें लिखा होता था वांटेड ब्राइट ग्रूम फेयर कम्प्लेक्शन हाइट ये वो और ना जाने क्या क्या। भाई साहब क्या ही चल रहा है। बट जितना छोटा ये लगता है ना रेसिज्म या नस्लवाद का मुद्दा, उतना छोटा असल में है नहीं। अपना देश है ना रेसिज्म या नस्लवाद में काफ़ी ऊपर है। ज़रा इस ग्राफ को देखिए, वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे के अकॉर्डिंग जब हमसे पूछा गया कि क्या आप दूसरे किसी रेस के लोगों को नेबर अपना नेबर या पड़ोसी चाहेंगे, तो लगभग 40% से ज़्यादा लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। और ये सोच आती यहाँ से है कि जब रंग को लेकर के लोगों के काम का अंदाज़ा लगाया जाता है, गोरा है तो गुड ऑफिस जॉब और काला है तो लेबर क्लास, और वहीं काला कौआ काला कलूटा काला भूत ये सारी बातें हम बचपन से ही बोलते और सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही इतना सुनते आए हैं ना, और फिर ये सिखाया जाता है कि आदत डाल लो। लेकिन क्या इस आदत को डालना, इस भेदभाव की आदत डालने से सारे काम आसान हो जाते हैं? देखते हैं, स्कूल्स में अगर आप डार्क स्किन्ड हो तो ड्रामा में पीछे ही दिखते हो, लाइफ पार्टनर भी आपको गोरा ही चाहिए, मॉडल बनना अगर सपना है तो वो सपना तो त्याग ही दो, और ना जाने कितने जोक्स का सेंटर आप होते हैं इस भेदभाव के कारण, जिससे होती हैं मेंटल प्रेशर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एन्जाइटी डिप्रेशन और ना जाने कितनी ही ऐसी प्रॉब्लम्स। तो बताइए कौन सी आदत डालना आसान है, ये सब बोलना बंद कर देना या इन सभी दिमागी तकलीफ़ों की। और इंडिया में अफ्रीकन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ रेसिस्ट कमेंट्स अटैक्स अब्यूजेस असॉल्ट्स काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते रहे हैं। Institute following an argument to vacate their hostel rooms. The incident happened on the 15th of out of the campus in view of COVID pandemic. Now in this video, the security guards can be seen dragging the boys out of the premises and then later beating them brutally. What are you doing? You can report your video, okay? अब आते हैं मेरी फेवरेट इंडियन प्लेस द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश आसाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम और त्रिपुरा ये सारी इंडियन स्टेट्स हैं। कंफर्मेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एडिट है। तो फिर क्यों चिंकी चाइनीज़ नेपाली और ना जाने क्या क्या पुकारा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न्स को। लेकिन बड़ी अजीब और गलत सी बात है कि हम क्यों नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ में अलग से पेश आया करते हैं, उनको भी अलग अलग नामों के साथ कितनी ही बदनामियों से जोड़ा करते हैं। हालत करने वाली नॉर्थ ईस्ट की वंदना कहती है
की होली में कुछ लोगों ने उन्हें कोरोना कहकर टिप्पणी की। मैं तो काफी समय से फेस करना पड़ा है सिंस आई एम इन दिल्ली फॉर लॉन्ग टाइम। पहले तो हमें चिंकी, चाउमीन, चाइनीज, नेपाली, हमारा नाम कोरोना रख दिया है। नया ये सब मिल गया, ये लोग को कोरोना कोरोना बोल के सब चिढ़ाते हैं ना, तो एक्चुअली हम लोग ये बचपन से फेस कर रही है सब रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है। रिसेंटली जब कोरोना पैंडेमिक को चाइना के साथ जोड़ा जा रहा था, तब ना जाने क्यों नॉर्थ ईस्टर्न्स को इसके कहर से गुजरना पड़ा। जैसे कैब वालों ने चाइना के हो ये पूछा, मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा, और फीमेल्स को भी काफी हैरेसमेंट, असॉल्ट और मोलेस्टेशन के केसेस से गुजरना पड़ा। दिस इज टोटल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ आवर लुक्स। वो लोग ने हम लोगों को एडमिट किया, ये सब किया बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लुक्स। वी डोंट हैव एनी ट्रबल हिस्ट्री, वी डोंट हैव एनी सिम्टम्स, और हम लोग अहमदाबाद पे काफी देर से यहाँ पे, लेकिन वो लोग ने ऐसा करके हम लोगों को एडमिट किया, ये सब किया। तो another incident in Ahmedabad, a group of women were asked by their neighbors to vacate the building immediately, fearing that they would spread the virus. Corona and coronavirus are the new racial slurs added to the existing list. On March 22nd, a horrible incident took place in Delhi's North Campus when a man sped pan on a female Delhi University MPhil student, Rameshwari, who hails from Manipur. After calling her Corona, this systematic racism might lead into something more dangerous, like the murder of 20-year-old Nido Tania. पर क्यों? और सिर्फ कोरोना के चलते ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न्स के साथ में शुरू से ही ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती रही है, जहां पर मोस्टली मेल्स को ड्रग पेडलर्स एंड फीमेल्स को प्रोस्टिट्यूट्स का टैग से रिलेट किया जाता आ रहा है। तो ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि इंडिया को टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन देने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने काफ़ी नोटेबल पर्सनैलिटीज़ दिए हैं, जैसे स्पोर्ट्स में बाइचुंग भूटिया, मैरी कॉम, म्यूजिक में डॉक्टर भूपेन हजारिका, सौरभी देवर्मा, राइटिंग में अरुंधति रॉय, पेट्रिशिया मुकिम, पॉलिटिक्स में पीए सांगमा, तरुण गोगोई, और सोशल एक्टिविज्म में आयरोम शॉर्मिला, और ना जाने कितने ही ऐसे नोटेबल पर्सनैलिटीज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो अब आते हैं उस टिप पर गाइस, जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था। बेसिकली टिप ये थी कि अब है ना, हमें बंद कर देना चाहिए ये रंग को लेकर, या मैं कहूँ कि किसी को भी लेकर भेदभाव बंद कर देना चाहिए, और किसी को भी ना खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं तो ये समझ गया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब एक दिन इसको ज़रूर समझेंगे। इनफैक्ट अब तो हमारे लॉ ने भी ना रोक लगा दिया उन सभी कंपनीज के ऊपर जो वादा करती थी गोरी चमकती हुई त्वचा देने का, और शेड कार्ड भी देती थी यार, मतलब गजब की मार्केटिंग के साथ चल रही थी ये गोरा बाजारी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली अपने ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट्स एक्ट 1954 को अमेंड करते हुए स्टार्ट किया है 50 लाख तक का फाइन या फिर 5 साल की जेल या फिर दोनों उन सभी कंपनीज के ऊपर जो ऐसे फेक प्रोमिसज करती हैं। और वहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 फर्स्ट कहता है कि राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। सो इन दोनों लॉज के तहत कोई भी कंप्लेंट हम फाइल कर सकते हैं। सोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। और गाइज, हम एक न्यू पोइम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, काश के अल्फाज, ऑन एवरी वेंसडे। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, सी यू ऑन एवरी वेंसडे एंड संडे गाइज। एंड लास्ट में बिग थम्स अप उन सभी लोगों के लिए जो इन सब हालातों से गुजरे हैं, एंड अ बिग थम्स अप टू ऑल द इंडियंस आउट देयर, बिकॉज हम सब एक हैं, वी आर वन। प्राउड टू बी एन इंडियन गाइज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। डू हिट दैट लाइक बटन, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। और इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड करते हुए मैंने अपने पोएटिक टच में रेसिज्म को डिफाइन किया है, सो प्लीज़ एंडिंग मिस मत करिएगा गाइज। थैंक यू। डरा सा, सहमा सा, भीड़ से थोड़ा दूर सा रहता मैं हूँ। डरा सा, सहमा सा, भीड़ से थोड़ा दूर सा रहता मैं हूँ। मेरा नाम छोड़ ना जाने कितने अलग नामों से पुकारा जाता मैं हूँ। बिना जाने पहचाने अनगिनत बदनामियों से जुड़ा मैं हूँ। लेकिन इस विविध भारत का एक हिस्सा मैं भी तो हूँ, कि काश तुम समझोगे कि मैं भी तुम जैसा ही तो हूँ, कि तुम जैसा ही तो हूँ।